बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में लाया हूँ सिंध टेस्टिंग सर्विस का एक टेस्ट, और ये टेस्ट अकाउंट ऑफिसर का है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल वाले आइकन को भी दबाएं, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए टेस्ट की जानिब टेस्ट शुरू करते हैं। हमारे पास दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। प्लेनेट विच इज़ ईजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। तो दोस्तों, वो कौन सा प्लेनेट है जो कि ज़मीन से साफ नज़र आता है? ऑप्शन बी ठीक है इसका, ये वेनिस है, याद रखें। सवाल नंबर 38 है, विच सिटी कनेक्ट्स टू कॉन्टिनेंट्स। वो कौन सा शहर है जो दो बराजमों को आपस में मिलाती है? ये इस्तांबुल है दोस्तों, ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ। दोस्तों, FBI जो है ये किस मुल्क की एजेंसी है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए, USA की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, द फाइनल ऑफ 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कहाँ खेला गया दोस्तों? मेलबर्न। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, ल्यूकीमिया इज अ डिजीज ऑफ द, ऑप्शन बी ब्लड, ये ब्लड की एक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज, स्विट्ज़रलैंड के दारुल खिलाफे का नाम बर्न है, ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड $6.5 बिलियन पैकेज फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर कोविड 19 के लिए $6.5 की इमदादी पैकेज किसने दी थी? तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, What was the original name of हज़रत लाल शाहबाज कलंदर? हज़रत लाल शाहबाज कलंदर का ओरिजिनल नाम था दोस्तों हज़रत उस्मान मरवेंदी, ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, Who is the current chairperson of the बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP? तो इसका नाम याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर सानिया निश्तर, ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, द पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका स्कॉट, श्रीलंका के पार्लियामेंट को दोस्तों पार्लियामेंट ही कहा जाता है, ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, यूनाइटेड एयरलाइन इज एन एयरलाइन ऑफ USA, ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। नीचे जो ममालिक दी गई है, इनमें से कौन सा ममालिक है ब्रिक्स की मेंबर है? तो ये इंडिया और चाइना है, ऑप्शन डी ठीक है, BNC, जबकि पाकिस्तान नहीं है। ब्रिक्स मुखप्प है दोस्तों ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड स्विट्ज़रलैंड का। क्वेश्चन नंबर 49 है, द फेडरल बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय। विफाकी बजट जो होता है दोस्तों, ये पार्लियामेंट में कौन पेश करता है? फाइनेंशियल मिनिस्टर, ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान इज, तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, ऑप्शन ए ठीक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, तीसरा सेक्शन है हमारे पास, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू हाशमी फैमिली, ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, टू व्हाट प्रॉफिट द जबूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह। तो दोस्तों, जबूर जो थी ये दाऊद अलैहिस्सलाम पर, जबकि तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, जबकि क़ुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट वाज़ द नेम ऑफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि। इमाम बुखारी का असल नाम दोस्तों ऑप्शन डी मोहम्मद बिन इस्माइल था, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 54 है, अल हुदीबिया ट्रीटी वाज स्क्रिप बाय। सुलह हुदीबिया जो है दोस्तों, ये हज़रत अली ने लिखी थी, हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 55 है, नेम द वाइफ ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हु वाज डॉटर ऑफ उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
تو دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اس کا نام حضرت حفصہ تھا آپشن ڈی ٹھیک ہے یہاں پر اس ٹیسٹ کا چوتھا پورشن ہے ہمارے پاس کمپیوٹر کا ہے 56 کوشچن ہے یو کین ایڈٹ ایگزسٹنگ ایکسل ڈیٹا بائی پریسنگ دی تو وہ کون سا کی ہے دوستو ایف ون کا کی ہے آپشن اے ٹھیک ہے یہاں پر Question number 57 hai MS Office provides help in many ways which of these is one of them to yahan par hai what is this office assistance help menu ye tamam jo hai theek hai to yahan par correct option hai hamare paas option D all of the above Question number 58 hai dosto you can detect spelling and grammar errors by spelling our grammars ki galti ki nishandehi ke liye dosto hum sirf F7 ko press karte hain yahan par option D theek hai آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 59 ہے چیپ کمپوننٹ آف فرسٹ جنریشن کمپیوٹر واس آپشن بی ٹھیک ہے ویکیوم ٹیوبس اینڈ ویلوز کوشچن نمبر 68 ٹو موو دا کرسر ٹو دا اینڈ آف دا ڈاکومنٹ وچ شارٹ کٹ کی از یوز تو اس کے لیے شارٹ کٹ کی دوستو کنٹرول پلس اینڈ استعمال ہوتی ہے آپشن اے ٹھیک ہے کوشچن نمبر 61 دوستو ہمارے پاس کلیئر نہیں ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک ایسی سافٹ ویئر کی جو کسی جس سے کسی پروگرام کو چلایا جاتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے آپریٹنگ سسٹم ہے یہ آپشن ڈی اس کا کریکٹ آپشن ہے آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 62 کی جانب کنٹرول پلس زیڈ یوزڈ فار تو دوستو کنٹرول پلس زیڈ جو ہے یہ انڈو کے لیے استعمال ہوتے ہیں آپشن اے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 63 ہے کنٹرول پلس وائی یوز تو دوستو کنٹرول پلس وائی جو ہے یہ ریڈو کے لیے استعمال کی جاتی ہے کوشچن نمبر 64 ہے دا موسٹ کامن ٹائپ آف اسٹوریج ڈیوائس آر تو یہی میگنیٹک اسٹوریج اور فلیش میموری یہ دونوں ہے آپشن ڈی ٹھیک ہے یہاں پر کوشچن نمبر 65 ہے اے ڈی وی ڈی از این ایگزامپل آف این تو یہ ڈی وی ڈی جو ہے دوستو یہ آپٹیکل ڈسک کا ایک مثال ہے یہاں پر کریکٹ آپشن ہے آپشن بی تو دوستو یہ رہی STS سن ٹیسٹنگ سروس اکاؤنٹ آفیسر ٹیسٹ کے چند MCQs اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارے چینل UC Learning Tube کو سبسکرائب کریں تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ